नाज्रीन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आपको हज़रत हलीमह ऱी तह के हवाले कर दिया गया था कि वो आपको दूध पिलाए। उन्होंने आपको दूध पिलाया उसके बाद भी तकरीबन दो साल आप हजरत हलीमा सादिया ऱी अल्लाह तह के पास ही रहे यानि जब आपकी उम्र चार से पाँच साल की हुई तब आप साथ एक वाक़ पेश आया शक़ सदर का वाक़ यानी आपका सीने मुबारक चाक किया गया ये पूरा वाक़ सही मुस्लिम में मौजूद है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह रदी कहते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जब्रैल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए आप छोटे से थे यानी अल्लाह के नबी छोटे से थे बच्चों के साथ खेल रहे थे हज़रत ज़ब्रैल ने आपको पकड़ा ज़मीन पर लिटाया आपके सीने मुबारक को चाक किया और दिल से एक लोथड़ा निकाला और कहा कि ये शैतान का हिस्सा है जो तुम में था और फिर आपके दिल को निकाल के एक तश्त में रखा और उसको जमज़म के पानी से धोया और फिर वापस मुकम्मल उसको अपनी हालत पर लौटा दिया नाजरीन वो बच्चे जो खेल रहे थे उसमें से एक बच्चा दौड़ता हुआ गया हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ता से कहा कि मोहम्मद कत्ल किए जा चुके हैं और फिर वो लोग दौड़ते हुए अल्लाह के नबी के पास आए और आपको देखा तो आपका चेहरा आपका रंग बदला हुआ था आप बहुत डरे हुए थे लिहाजा हज़रत हलीमा सादिया इस वाक़े से बहुत डर गई और उन्होंने आप सलील वम को उनके वालदा के हवाले कर दिया नाजरीन ये एक वाक़ था जो बड़ा ही अनोखा अल्लाह के नबी सलील सल्म की ज़िंदगी में आप सल्ला वम के साथ पेश आया था आपकी नबूवत की तरफ इशारा कर रहा था लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में मज़ीद जानें इलम हासिल करें क्योंकि जब तक हमें अल्लाह के नबी की ज़िंदगी नहीं पता होगी हम कैसे अल्लाह के नबी के तरीके पर अमल कर पाएंगे लिहाजा हमें चाहिए कि हम मज़ीद करें नादरीन इन्हीं चंद बातों पर मैं इक्तफ़ा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन आप लोग ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे फिर कभी मुलाकात होगी नई बातों के साथ अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तोफ़ी दे अल्लाह रबालमिन जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख जब भी हमारा ख़ात्मा व खातिमा बिलखैर हो आमीन दावाना वखरुदावाना अनिलहमदिल्ला रबीन असलकमल वबरक ऐसे ही और वीडियोज़ बनाने में हमारी मदद करें